सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर देश भर में पराक्रम पर्व मना रही मोदी सरकार ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो टूक कहा है कि सीमा पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने राफेल डील को लेकर विरोधियों के हमले का भी जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर देश भर में पराक्रम पर्व मना रही मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करने और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब था। पराक्रम पर्व को लेकर चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उड़ी आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को पाकिस्तान का समर्थन हासिल था। पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जाता है, सीमा पार से हो रही आतंकी घटनाओं को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि इस तरह की कार्रवाई यानी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें इस पार भेजने से रोकेगी। वैसे सीमा पर हमारी इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी, चाहे वे सबक सीखें या नहीं। There are intrusion in the border and we are also eliminating a lot of them at the border itself and not allowing them to come in. I would believe an action of this kind will deter Pakistan from training and sending in terrorists. My action will continue at the border irrespective of whether they've learnt a lesson or not. इस बीच राफेल डील को लेकर छिड़े विवाद पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये दोनों कंपनियों के बीच एक कमर्शियल एग्रीमेंट था। तकरीबन 70-80 कंपनियों में से डसॉल्ट ने खुद कंपनी को चुना है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली पर रूस के साथ लंबे समय से बातचीत चल रही है और अब ये ऐसे चरण में है जहां इसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। राफेल डील पर कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं संसद में इसे स्पष्ट कर दूंगी। मैंने इस प्रश्न का जवाब 4 बार दिया है, मैंने लिखित प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन तथ्य यह है कि क्या आप इन उत्तरों को स्वीकार कर रहे हैं। इस दौरान राफेल डील को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर खूब सियासी पलटवार किया। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपीए के समय में मंत्रालय दलालों और बिचौलियों की मदद से चला करते थे, लेकिन हमारी एनडीए सरकार में ऐसा नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्री के इन बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल पूछे। जाहिर है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जवाब देने के साथ साथ राफेल डील को लेकर विरोधियों के हमले पर भी खूब सियासी पलटवार किया। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।